मुल्तान सखर मोटरवे पर जलालपुर इंटरचेंज के करीब खौफनाक हादसा, बस के ऑयल टैंकर को टक्कर के बाद आग लग गई, 20 अफराद जहां बहक, लाशें नाकाबिल शनाख्त, बस में ड्राइवर और स्टूअर्ट समेत 26 लोग सवार थे। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा, 6 रुपये 72 पैसे महंगा, नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे हो गई। लाई डीजल की कीमत में 43 पैसे का इजाफा, हाई स्पीड डीजल 51 पैसे, मिट्टी का तेल 1 रुपया 67 पैसे सस्ता, नए निरखों का इतलाक हो गया। कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामी यकजहती गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, अहले खाना और स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। टोक्यो गेम्स के बाद भी इंजरीज का शिकार हुआ था, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। कौमी एथलीट का हुकूमत से बैन अलावा मैार की ट्रेनिंग देने का भी मुतालबा। भारत की पाकिस्तान को डबोने की कोशिश, दरियाए रावी में 1,71,000 क्यूसिक का बड़ा रैला छोड़ दिया। आज अशरक के मकाम पर बहाव 1,00,000 क्यूसिक तक जाने का खदशा, अलर्ट जारी। नारोबाल और सियालकोट के नदी नालों में भी तुकियानी, जफरवाल के नाला डेक में रेस्क्यू की कश्ती पानी में फंस गई, 5 अफराद को निकाल लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा फैसला, सैलाब मुतासर खानदानों को 3 दिन में 50,000 रुपये देने का हुक्म। फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी सूबे के 7 मुश्तरका सर्वे 5 के बजाय 3 हफ्तों में मुकम्मल करे, शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए पीटीआई कारकुन की दरख्वास्त, राणा सनाउल्लाह तातारर मलिक अहमद खान के नाम भी शामिल। 25 मई को पुलिस की शेलिंग का निशाना बना, अस्पताल में जेर इलाज रहा, थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में दरखास्त। पीटीआई का 25 मई के किरदारों पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, इमरान खान की जेर सदारत इजलास में गौर, कानूनी टीम तमाम केसेस का इंदराज 7 रोज में यकीनी बनाए, पीटीआई चेयरमैन की हिदायत। 19 अगस्त को कराची में जलसे का प्लान, रावलपिंडी हैदराबाद समेत जिमनी इंतखाबात की 9 नशस्तों पर भी पावर शो करने का ऐलान। गैर मुल्की सरमाकारी के लिए 75 साल में पहली बड़ी कानून साजी, इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिल कौमी असम्बली से मुतफ़ तौर पर मंजूर। कोई भी अदालत तजारती ट्रांजेक्शन के खिलाफ मुकदमे की समाप्त नहीं कर सकेगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार मौजूद रहेगा, वफाकी वजीर कानून। IMF से किस्त मिलने की राह हमवार, पाकिस्तान ने इजहार आमादगी खत पर दस्तखत कर दिए, आज ही भेजने का प्लान। मौसूली के बाद आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पेश किया जाएगा, मीटिंग 24 अगस्त को होने का इम्कान। इदारों को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम, शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत की समाअत, पुलिस रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका, कार्रवाई आज तक मुलतवी। पीटी रहनुमा की मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर भी सुनवाई आज होगी। शहबाज गिल का मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस के साथ जाने से इनकार, इंतजामिया के बनाने के लिए मुज़ाकरात, पीटीआई वफ़द की अटियाला जेल में कैद, रहनुमा से मुलाकात ना हो सकी। पंजाब के मुतअद्दिद वज़रा के महकमे तब्दील, यास्मीन राशिद से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को वापस ले लिया गया, खुर्रम शहजाद से पार्लिमानी उमूर का पोर्टफोलियो वापस, मुआवन खुसूसी अरसलान खालिद को IT का महकमा दे दिया गया।